हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रजिस्टर क्या होता है, इसका काम क्या होता है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज़ करने की। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपको रजिस्टर के बारे में, इसके टैप्स के बारे में, इसके वर्क के बारे में सारी जानकारी इस वीडियो से आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं रजिस्टर होता क्या है। रजिस्टर को इलेक्ट्रॉनिक का सबसे पहला कंपोनेंट माना जाता है, जिसका सर्किट सिंबल आप इस तरह देख सकते हैं, कुछ इस तरह होता है। और इसको डिनोट किया जाता है आर के जरिए। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पे अगर किसी कंपोनेंट के नीचे या उसके पास में अगर आर लिखा हुआ है, इसका मतलब वो रजिस्टर है, तो उसको डिनोट किया जाता है आर के जरिए। इसको मेजर किया जाता है, इसको इसकी वैल्यू को निकाला जाता है, इसको मापा जाता है ओम्स लॉ में। ओम्स लॉ का सिंबल आप इस तरह होता है, ये मैटर नहीं करता, असल में ये इसका सिंबल है, ये वाला। तो आप ये जान गए। अब इसकी वर्किंग के बारे में जानते हैं। इसका वर्किंग ये होता है कि सबसे पहले जानते हैं कि इसको बनाया क्यों गया। इसको बनाया गया है इसलिए क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हर जगह पे सेम वोल्टेज की ज़रूरत नहीं होती है, हर अलग अलग जगह पे अलग अलग सप्लाई की ज़रूरत होती है। जैसे कहीं पे अगर एलईडी लगी हुई है, वहाँ पे 30 वोल्ट की ज़रूरत हो सकती है, 10 वोल्ट की ज़रूरत हो सकती है। कहीं पे स्पीकर, सॉरी, कोई और डिवाइस लगा हुआ है, जैसे मोटर लगा हुआ है, वाइब्रेटर लगा हुआ है, वहाँ पे कुछ और वोल्टेज की ज़रूरत होती है। तो वोल्टेज को कम और ज़्यादा करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका मेन काम होता है करंट को रोक के पास करना, रसिस्ट। इसीलिए रसिस्ट मतलब होता है रोकना, इसीलिए इसको रसिस्टर मतलब रोकने वाला। तो ये रजिस्टर का काम होता है किसी वोल्टेज को, करंट को रोक के पास करना। अब ये कितना रोक के पास करेगा, ये डिपेंड करता है कि इसकी वैल्यू कितनी है। जितनी इसकी वैल्यू होगी, जितना इसके अंदर रजिस्टेंस होगा, उस हिसाब से वो उतने वोल्टेज को ये रोकेगा और उसी हिसाब से वो पास करेगा। इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे कि कहीं आप देखे होंगे रोड है, तो गाड़ी स्पीड में आ रही है और रोड के यहाँ पे कहीं कोई एरिया है, इलाका है, जहाँ पे गांव वाले बच्चे लोग खेलते कूदते हैं, वहाँ पे एक ब्रेकर लगा दिया रहता है ताकि गाड़ी यहाँ पे आके स्लो हो जाए। रजिस्टर का काम सेम ऐसा ही होता है। सप्लाई आ रही है वोल्टेज, यहाँ पे जैसे ही रजिस्टर यहाँ पे लगाया गया, यहाँ पे आके स्लो हो जाएगी और ये जितनी वैल्यू की रजिस्टर यहाँ पे लगी हुई, उसी हिसाब से ये उतने वोल्टेज को रोक के आगे पास करेगी। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। ये काफ़ी प्रकार के होते हैं, बहुत सारे टाइप के होते हैं, जिसमें से हम सभी को कवर करने वाले हैं नहीं। मेरा असल मकसद है मोबाइल, स्मार्टफोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप, कंप्यूटर, SMPS, इन सब में यूज़ होने वाले जो रजिस्टर्स हैं उसको कवर करना मेरा मकसद है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल पर बने रह सकते हैं, क्योंकि हम अपने चैनल पे लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी, ये आउट से लिया गया है बाहरी तरीके से, ये तीन चीज़ों के बारे में हम अपने चैनल पर जानकारी, डीपली जानकारी देने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन तीनों चीज़ों के बारे में, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल, स्मार्टफोन, एंड्रॉयड क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में अगर आप इसको सीखने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, और आगे हम इससे रिलेटेड बहुत सारे जानकारी आपको देने वाले हैं। तो चलिए इसके टाइप्स के बारे में पहले जान लेते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं जो असल टाइप्स होते हैं वो के बारे में बता दूँ। नॉर्मल एक टाइप होता है, नॉर्मल रजिस्टर, दूसरा SMD रजिस्टर, दूसरा HVR यानी हाई वोल्टेज रजिस्टर, उसके बाद LVR लो वोल्टेज रजिस्टर, उसके बाद वाटेज रजिस्टर, फिर पैकेज रजिस्टर, फिर VDR रजिस्टर, और NTC, PTC, बहुत सारे रजिस्टर आते हैं जिसको
हम स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिलहाल हम इस इन इन रजिस्टर के बारे में जान लेते हैं। नॉर्मल रजिस्टर क्या होता है? आपने देखा होगा कि नॉर्मल रजिस्टर ये कलर बैंड बनी होती है रजिस्टर के ऊपर, हम आपको पिक्चर दिखा देते हैं उसका। यह है नॉर्मल रजिस्टर। देखिए इसके साइड में कई सारे कलर बैंड पट्टी बनी होती है। इसकी वैल्यू इसी कलर बैंड से हम कैलकुलेट करते हैं। अब उस कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन सा कलर कितनी वैल्यू का है, ये जानने के लिए हम इसकी वैल्यू इस लिस्ट से पता करते हैं। ये लिस्ट ब्राउन का फर्स्ट बैंड में अगर है ब्राउन कलर तो एक होगा, सेकेंड बैंड में अगर ब्राउन है तो वहाँ उसका भी वैल्यू होगा। अगर आप इस लिस्ट को आप इंटरनेट के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं और इसके ज़रिए अगर आप किसी भी कलर रजिस्टर को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। यही उसको कैलकुलेट करने का प्रोसीजर है। उसको आप डाउनलोड कर लें, इससे आप कलर बैंड वाले इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं इस लिस्ट के ज़रिए। यह है हमारा SMD रजिस्टर। SMD रजिस्टर इसमें LVR, HVR हो सकता है, ये भी LVR, HVR, ये सब SMD रजिस्टर होते हैं। इसका कलर शाइनिंग ब्लैक होता है, ब्लैक होता है, ब्लैक रजिस्टर, ब्लैक कंपोनेंट ये SMD होता है। छोटे प्रकार के कंपोनेंट को SMD कहते हैं। इस तरह के कंपोनेंट SMD होता है और इस तरह का कंपोनेंट आपको दो मिलेगा, एक कॉइल भी मिलेगा, कैपेसिटर भी मिलेगा SMD में और रजिस्टर भी मिलेगा। अब इसको पहचानें कैसे? शाइनिंग ब्लैक होगा, जो कलर तो होगा ब्लैक लेकिन चमक रहा होगा वो रजिस्टर होगा, जो चमक नहीं रहा होगा वो हमारा कॉइल होता है। तो ये हो गया SMD रजिस्टर, ये भी हो गया हमारा SMD रजिस्टर। लेकिन आप सोच सकते हैं कि इसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं लिखा होता है। लो LVR होने के कारण इसकी वैल्यू मतलब कि इनके ऊपर नहीं दिख पाता है, इसलिए हम इसे LVR मानते हैं। अब हम बात करते हैं कि वो LVR, HVR, वाटेज, पैकेज, VDR, ये होता क्या है। SMD रजिस्टर तो आप समझ गए कि छोटे जो हम ब्लैक कलर रजिस्टर दिखाए हैं वो हमारा SMD रजिस्टर कहलाता है। उसमें भी LVR, HVR, VDR रजिस्टर पाया जाता है। LVR का मतलब हुआ लो वोल्टेज रजिस्टर। अगर वो लो वोल्टेज को रजिस्ट करेगा, मतलब लो वोल्टेज को रोकेगा और बाकी सबको आगे जाने देगा, सप्लाई दे देगा। और HVR मतलब हाई वोल्टेज को वो रोकेगा और थोड़े वोल्टेज को आगे जाने देगा। जहाँ पे कम वोल्टेज की ज़रूरत है वहाँ पे हमको HVR लगाना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है रास्ते से। अगर इस रास्ते से हमको ज़्यादा वोल्टेज आ रही है और यहाँ पे लेकिन हमको कम वोल्टेज की ज़रूरत है, तो यहाँ पे हम हाई वोल्टेज की रजिस्टर लगाएंगे ताकि आगे वाले डिवाइस को कोई खतरा ना हो और ये ज़्यादा वोल्टेज को रोक के पास करे और ये स्मूथली इसको पास प्रॉपरली सप्लाई दे सके यहाँ पे कोई डिवाइस को। अब हम बात करते हैं VDR रजिस्टर क्या होता है। VDR रजिस्टर वो होता है कि उनको इसलिए लगाया जाता है, वो एक सेंसिंग की तरह काम करता है। उनको इसलिए लगाया जाता है कि सप्लाई जो आ रही है और उसके आगे जो डिवाइस कंपोनेंट या कोई भी मतलब कि मोटर, LED या कोई भी चीज़ सेंसर लगा हुआ है, उनको जितने सप्लाई की ज़रूरत है उतनी सप्लाई आ रही है कि नहीं। अगर आ रही है तो VDR उस सप्लाई को आगे जाने देगी और अगर नहीं उतनी आ रही है तो वो उनको वहीं पर ब्लॉक कर देगी, वहीं पर रोक देगी। और पैकेज रजिस्टर क्या होता है कि ये जो SMD रजिस्टर आपको दिख रहा है, ये 1, 2, 3, 4 अगर एक से ज़्यादा रजिस्टर अगर एक दूसरे से जुड़ के बना हुआ है तो वो हमारा पैकेज रजिस्टर हुआ। काम लेकिन सबका एक ही है, बस नाम अलग अलग है और उसको उसका शेप अलग अलग कर दिया गया है। अब हम कैसे जानेंगे कि कौन हमारा हाई वोल्टेज रजिस्टर है, कौन हमारा लो वोल्टेज रजिस्टर है और कौन हमारा VDR रजिस्टर है? तो अगर किसी रजिस्टर की वैल्यू 1000 ओम बराबर 1 किलो ओम होता है, तो किसी रजिस्टर की वैल्यू अगर 1000 ओम है तो वो हमारा 1000 ओम से लेके 200 मेगा ओम तक या उससे ऊपर के रजिस्टर को हम HVR मतलब हाई वोल्टेज रजिस्टर कहते हैं। अब बात करते हैं LVR की।
एलवीआर को फ्यूजिबल रजिस्टर भी कहते हैं, क्योंकि ये कम वोल्टेज को रसिस्ट करता है, कम वोल्टेज को रोकता है, बाकी सबको पास कर देता है। अब यहाँ कन्फ्यूजन ये आता है कि फ्यूजिबल रजिस्टर कौन है और एलवीआर रजिस्टर कौन है। तो 0 से 50 ओम तक की रजिस्टर फ्यूजिबल रजिस्टर होता है, और 51 से 999 ओम तक की रजिस्टर को हम एलवीआर रजिस्टर कह सकते हैं, 999 तक की ओम को। जैसे ही 1000 हुआ तो 1000 से लेके 200 मेगा ओम तक या उससे ऊपर के रजिस्टर ओम तक के रजिस्टर को हम एचवीआर कह देंगे, लेकिन उससे नीचे को हम एलवीआर कहेंगे और 51 से नीचे को हम फ्यूजिबल रजिस्टर कहेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं ये एसएमडी रजिस्टर है, इस पे जो इनकी वैल्यू लिखी हुई है, यहाँ पे 100 ओम लिखी, 100 लिखी हुई है, यहाँ पे 4521, यहाँ पे R22। तो ये कौन LVR है और कौन HVR है, इसको क्लियर करने के लिए, इस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए इस बात को आप सुन लें कि जिस रजिस्टर में R के साथ अगर अंक जुड़ा है तो वो हमारा LVR होता है। जैसे कि R22, 3R9, जैसे कि यहाँ देख ले 5R8, और कहीं नहीं, ये भी हमारा LVR होगा, 6 5F। और HVR कौन होता है, जिसमें सिर्फ डिजिट रहे, जैसे यहाँ पे सिर्फ डिजिट है 4 5 2 1, ये हमारा HVR रजिस्टर है। अब हम बात करते हैं कि इसकी टेस्टिंग कैसे करें, ये कैसे पता चले कि ये खराब हो गया है या ये ओके है। तो मल्टीमीटर को बजर पॉइंट पे रख के, मतलब कंटिन्यूस बीप रेंज पे रख के, दोनों साइड रेड प्रोब को इस साइड रखे हैं और ब्लैक प्रोब को इस साइड रखे, तो एक्यूरेट मतलब जो वैल्यू आएगा वही प्रोब को उलट के रखने से वही वैल्यू आए तो ये हमारा ओके है। अगर डिफरेंस अगर 5 10 15 इतने के आगे पीछे डिफरेंस है तो वो हमारा मैटर नहीं करता है, फिर भी हमारा वो ओके है। कुछ एसएमडी रजिस्टर को मल्टीमीटर से चेक करने पे वो बीप के साथ, मतलब सीटी के साथ वो वैल्यू देते हैं। तो अब ये अगर सीटी के साथ वैल्यू दे रहा है तो अब ये ध्यान देना है कि वैल्यू कितना आ रहा है। अगर वैल्यू 50 से कम हो तो एलवीआर, और अगर बिना बीप के वैल्यू 50 से एबोव यानी ऊपर हो तो हमारा एचवीआर रजिस्टर होता है। अब मल्टीमीटर के थ्रू एसएमडी रजिस्टर की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट किया जाए इसके बारे में तो हम जान गए, लेकिन ये कलर बैंड वाले रजिस्टर की वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करें, इसको भी मल्टीमीटर के थ्रू उसी तरह एक प्रोब इस साइड एक प्रोब इस साइड रखने से एक्यूरेट, अगर वैल्यू अदला बदला करने के बाद भी अगर दोनों तरफ से सेम वैल्यू आ रहा है तो ये हमारा ओके है और वही उसकी वैल्यू होती है। लेकिन अगर इस कलर बैंड कोड वाले कैलकुलेशन के थ्रू अगर हम इस रजिस्टर की वैल्यू को निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, ये आज हम सीख लेते हैं। चलिए हम इस बीच वाले रजिस्टर की वैल्यू हम इस कलर कलर कोड बैंड वाले लिस्ट के थ्रू निकालते हैं। ये पहले बैंड में कौन सा कलर है, ये ग्रीन है, तो यहाँ देख लेते हैं ग्रीन में पहले बैंड में कौन सा अंक है। ग्रीन ये हुआ, इसका पहला बैंड ये हुआ, पहले बैंड में 5 है, तो चलिए 5। अब दूसरा बैंड में ब्राउन है, तो ब्राउन ब्राउन ये हुआ, ब्राउन के ये तो पहला बैंड हुआ, ये दूसरा बैंड ब्राउन का दूसरा बैंड में 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दिए। अब तीसरे बैंड में येल्लो है, तो येल्लो येल्लो का तीसरा बैंड क्या है, 10 का पावर 4, 10 का पावर 4 का मतलब 4 0, 1 2 3 4, 4 0 दे दिए। अब लास्ट में है वो गोल्डन कलर है, तो गोल्डन कलर इसका लास्ट है 5%, 5%। अब 5% का मतलब क्या होता है, 5% का मतलब ये हुआ कि 5% अगर आगे पीछे दिखा रहा है वैल्यू तो वो मैटर नहीं करता है, ये ठीक है। ये 5% का मतलब यही हुआ कि 5% आगे पीछे ये हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं।